हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं। मैं आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ थर्ड चैप्टर के, दैट इज़ योर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, सो ये हमारा पार्ट टू है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस तक करा दिया था, अब इसमें हम 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 31st क्वेश्चन देखो, अ फर्म अर्न्स 1,10,000, ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 11 lakhs एंड लाइबिलिटी टू 1 lakh, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है गुडविल की वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है बच्चे, सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटलाइज्ड एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से। फर्म हमारी कितना अर्न कर रही है, मतलब ये हमें प्रॉफिट गिवन है 1,10,000, ठीक है। गुडविल हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं भाई, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1,10,000, ठीक है, इनटू 100 डिवाइडेड बाई NRR 10%। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, बताओ जल्दी से, 11 lakhs। क्लियर बच्चे यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, इसमें हम माइनस करते हैं नेट एसेट्स। आप माइनस करती हो इसमें से नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारा नेट एसेट्स कैसे निकलेगा, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स हमारी कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 11 lakhs हमें एसेट्स गिवन है, तो 11 lakh माइनस लाइबिलिटी कितनी है, 1 lakh, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 10 lakh, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे हम, तो हमारी गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी 11 lakh माइनस 10 lakh, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 lakh, ठीक है। गुडविल कितनी आ गई, 1 lakh, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट देखो 32 क्वेश्चन, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 5 lakh, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें गिवन है 10%, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, बट इसमें एक हमें एडजस्टमेंट गिवन है आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस। देखो एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, राइट। अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक है, उल्टा करना है। एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस कर दो, गेन है तो माइनस कर दो, सिंपल। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 times द सुपर प्रॉफिट विल बी। हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट से, तो कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 64,000, लेकिन उसमें एबनॉर्मल हमें क्या गिवन है, लॉस गिवन है 4,000 का, तो हम ऐड कर लेंगे 4,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 68,000। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को? उसके बाद एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए हमें, है ना। तो अब क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है, 5 lakh, इनटू एनआरआर कितना है हमारा, 10%, डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया भैया हमारा, 50,000। हाँ जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एसपी, सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सिंपल, 68,000 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा भाई, 18,000। अब आप गुडविल के फॉर्मूले में पुट कर दो, गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट कितना है, 18,000
इन टू में क्या करोगे, आपको नंबर ऑफ परचेज ये दे रखा है कितना, वैल्यू ऑफ गुडविल एट फोर टाइम्स, ठीक है। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इन टू फोर कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 72,000। क्लियर बच्चे यहाँ तक, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 33 क्वेश्चन। 33 में ये क्या बोल रहा है भाई हमें, पी एंड क्यू वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। दे डिसाइड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है, गुडविल की वैल्यू 1,28,000 गिवन है, इट एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें क्या करना है भाई, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे कैलकुलेट करोगे, जब आपको गुडविल गिवन है तो गेनिंग या सेक्रीफाइस रेशियो में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए गेनिंग या सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो देखो आपको गिवन है 3:2 एंड न्यू रेशियो भी आपको कितना गिवन है 5:3, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई पी का, पी का क्या आ जाएगा हमारा 3/5 - 5/8। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा भाई 8 × 3 = 24 - 25, तो ये हमारा कितना आ गया 1/40 गेन हो रहा है। ऐसे ही हम Q का कैलकुलेट कर लेंगे, तो Q का कितना आ जाएगा हमारा 2/5 - 3/8, एलसीएम लोगे 40 आ जाएगा हमारा, तो इसको कैलकुलेट करो 16 - 15 1/40, तो ये हमारा क्या हो रहा है भाई यहाँ पे सेक्रीफाइस, ठीक है। तो P हमारा गेन कर रहा है, Q हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखो कितना गुडविल है 1,28,000, 1,28,000 को आप क्या करोगे भाई, इनटू 1/40, आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3,200, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री देखो कैसे पास करेंगे, जो भी गेन होता है बच्चे उसे हम क्या करेंगे डेबिट, और जो हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री पास हो जाएगी पी इज कैपिटल अकाउंट, टू क्यू इज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितनी आ जाएगी अभी हमने कैलकुलेट करी थी 3,200। तो ऑप्शन देखो इसका क्या होगा 33 का, ठीक है। क्रेडिट पी बाय 3,200, डेबिट क्यू बाय 3,200। तो पी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो पी वाला ऑप्शन देखो जहाँ पे पी को हम डेबिट कर रहे हैं 3,200 से, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34th क्वेश्चन। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 4:3:2, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 10,800 इन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो यहाँ पे भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है गुडविल की, तो सबसे पहले वही 34 क्वेश्चन क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो आपको कितना गिवन है 4:3:2, न्यू रेशियो क्वेश्चन में क्या बोला इक्वली, ठीक है। ए बी सी पार्टनर्स हैं तो कैलकुलेट कर लो सबसे पहले गेनिंग या सेक्रीफाइस रेशियो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 4/9 - 1/3, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा भाई ये 9, तो ये आ जाएगा हमारा 4 - 3 = 1/9, ठीक है। अब हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई हमारा सेक्रीफाइस, बी का क्या हो जाएगा 3/9 - 1/3, एलसीएम लोगे 9 आ रहा है 3, बी तो हमारा कुछ नहीं कर रहा ना गेन ना सेक्रीफाइस। अब सी का कैलकुलेट कर लेते हैं,
टू बाई नाइन माइनस वन बाई थ्री, एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा तो 2 माइनस 3 तो 1 बाई 9, ये हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट हमारा सॉरी गुडविल हमारा कितना है बच्चे यहाँ पे 10,800। ठीक है, तो 10,800 इंटू 1 बाई 9 आप करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है, अब देखो एंट्री कैसे पास करोगे, जो मैंने अभी बताया था सेक्रीफाइस हो रहा है तो इसे हम क्या करते हैं क्रेडिट, एंड अगर गेन हो रहा है तो उसे डेबिट। तो क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्लियर। अमाउंट कितनी आ जाएगी 1200 एंड 1200। ठीक है, तो 34 का हमारा क्या आएगा आंसर, देखो सी को हम क्या कर रहे हैं डेबिट 1200 से, तो देखो भाई ए हो रहा है हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड सी हो रहा है हमारा डेबिट 1200 से, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3:2 From 1st Jan 2019, they decide to share profit and loss in the ratio of 8:4:3. Goodwill is 1,20,000 in adjustment entry for goodwill. Goodwill की हमसे adjustment entry पूछी है 35 question में, same उसी तरीके से आपको करना है बच्चे। Old ratio आपको कितना given है 35 question, old ratio आपको कितना given है 7:3:2, न्यू रेशियो आपको कितना गिवन है 8:4:3। ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ए बी सी, तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट कर लेते हैं, 7/12 माइनस 8/15। ठीक है, अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 35 माइनस 32, तो ये आ गया 3/60। ऐसे ही आप बी का कैलकुलेट करोगे तो 3/12 माइनस 4/15, एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 15 माइनस 16 1/60, क्लियर बच्चे। देखो यहाँ पे भी आपका ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, एंड बी भी हमारा क्या हो रहा है, बी में हमारा हो रहा है गेन। ठीक है, अब हम सी का देख लेते हैं कि सी हमारा क्या करेगा, गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस, तो 2/12 माइनस 3/15, एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा हमारा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10 माइनस 12 तो 2/60, सी हमारा हो रहा है गेन। ठीक है, अब देखो कितना गुडविल है 1,20,000। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, जो हमारे गेन हो रहे हैं हम उन्हें क्या करते हैं डेबिट, और जो हमारे सेक्रीफाइस हो रहा है उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो सबसे पहले बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितना है भाई हमारी गुडविल कितनी है 1,20,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो 1/60 एंड 2/60। सबसे पहले हम 2/60 से कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो बी में कितना सी का हमारा कितना आ जाएगा बच्चे 4,000, एंड बी का कितना आ जाएगा हमारा 1,000, क्योंकि ये 1/60 है, 1/60 करोगे तो कितना आ जाएगा 1,000। ठीक है, सिंपल। देन उसके बाद कैसे करोगे, सॉरी 2,000। ठीक है, यहाँ पे 1/60 है तो 2,000 आ जाएगा आपका, और ए में कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लो तो ये हमारा आ जाएगा 6,000। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, अब देखो 36 क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 में क्या पूछा है हमसे,
पी क्यू आर वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5-3-2 दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन 2-3-5 फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। ठीक है, गुडविल हमें 1,20,000 की गिवन है। इन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट एंट्री पूछा है तो सेम सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो देख लेते हैं और गेनिंग एंड सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो 36 क्वेश्चन में देखो 5-3-2 एंड न्यू रेशियो हमें कितना गिवन है 2:3:5। ठीक है, कौन से पार्टनर्स हैं भाई, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले पी का। सो 5/10 माइनस 2/10 कितना आ जाएगा बच्चे 3/10। क्यू का कैलकुलेट करोगे 3/10 माइनस 3/10 ज़ीरो, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, एंड आर का कैलकुलेट करोगे 2/10 माइनस 5/10, तो ये हमारा क्या हो रहा है भाई 3/10। यहाँ पे पी हमारा क्या कर रहा है सेक्रीफाइस एंड आर हमारा क्या हो रहा है गेन। क्लियर यहाँ तक? तो इसकी सीधी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जो हमारा गेन करते हैं हम उसे क्या करते हैं डेबिट। तो आर्स कैपिटल अकाउंट 2, पीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट देखो कितनी आएगी, कितना है भाई 1,20,000 हमें गिवन है। ठीक है, तो 1,20,000 इनटू 3/10 36,000 एंड 36,000 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा देखो 36 क्वेश्चन का हमारा। तो बच्चे 36 क्वेश्चन में आपका राइट ऑप्शन रहेगा सी। पी हमारा क्रेडिट हो रहा है 36,000 से एंड डी भी हमारा क्रेडिट हो रहा है 36,000 से, सॉरी आर हमारा क्रेडिट हो रहा है 36,000 से। ठीक है, नाउ 37th क्वेश्चन देख लेते हैं। आव्य दिव्या एंड काव्या वेर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2-4-3-2 फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। द जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो सेम इसमें भी हमें सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे 37, सबसे पहले गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो हमें कितना गिवन है भाई इक्वली है, न्यू रेशियो कितना क्वेश्चन में गिवन है देखो 4-3-2। सबसे पहले आव्या का कैलकुलेट कर लेते हैं 1/3 माइनस 4/9, एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा, 3-4 1/9 क्या हो रहा है भैया हमारा गेन। ठीक है, देन दिव्या का कैलकुलेट कर लेते हैं, दिव्या का आएगा 1/3 माइनस 3/9, एलसीएम लोगे 9, 3-3 0, ये कुछ नहीं कर रही भाई दिव्या, ना गेन ना सेक्रीफाइस। देन काव्या का देख लेते हैं, काव्या क्या क्या होगा 1/3 माइनस 2/9, एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा, सो 3-2 1/9। तो काव्या हमारी क्या कर रही है भाई सेक्रीफाइस। ठीक है, ये हमारी सेक्रीफाइस कर रही है। अब देखो जनरल एंट्री क्या बनेगी बच्चे हमारी, यहाँ पे जो हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं, जो हमारा गेन करता है उसे हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट करेंगे हम आव्या को, आव्यास कैपिटल अकाउंट 2, काव्यास कैपिटल अकाउंट। क्लियर, अमाउंट देखो गुडविल हमारी कितनी थी भाई 90,000, तो 90,000 इंटू 1/9 कितना आ जाएगा 10,000 एंड 10,000। क्लियर, आई होप बच्चे आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना बच्चे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, सो ये पार्ट 2 था, इसके बाद मैं आपको पार्ट 3 कराऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।